हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल, आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक हम बेसिक सी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को अब टेंशन हो रही है ना। बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कारण उसका ढूंढना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम तो रिसर्च पढ़ने वाले हैं, है ना। हम तो क्रिटिकल थिंकिंग करने की कोशिश करने वाले हैं। तो हमें पहले तो उस टेंशन का कारण क्या है, अगर वो पता लग जाए तो हम उसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें अभी, है ना, जैसे ही एग्जाम की डेट आई है तो टेंशन होना शुरू हो गई है। तो कैसे हम चित्त शांत रख के, जो आप बोलते रहते हो कि चित्त शांत रखो, चित्त शांत रखो, ये कैसे शांत रखें आप बताओ, है ना। इसके ये कैसे हो सकता है, कैसे रखें? तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि सबसे पहले तो हमें उस टेंशन की जड़ तक जाना पड़ेगा कि टेंशन का कारण क्या है। तो टेंशन का जो कारण है, जो रीजन है, जो मुझे समझ आ रहा है फ्रेंड्स, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि हम, मेरे हिसाब से, थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं किसी चीज के बारे में, सोचते बहुत ही ज्यादा है, ओवर थिंकिंग का शिकार लगभग हम हैं। बहुत सोचते हैं लेकिन करते बहुत ही कम है, उस पर एक्शन नहीं है हमारा। अगर हम, मैं ये मानता हूं कि अगर जितना हम सोचते हैं उसका अगर हम 50%, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अगर उसका कुछ भाग भी अगर ईमानदारी से हम कर लेना जो हम सोचते हैं, तो हमें किसी भी तरह की टेंशन चिंता होगी ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल, आप बहुत टाइम से या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सालों से सोच रहे हैं कि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना है। बहुत सारे सोचते हैं डेली, सोच के, ये सोच के जल्दी सो जाते हैं कि कल तो हम मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, और उनसे मॉर्निंग में जल्दी उठा नहीं जाता क्योंकि अभी वो मजबूत नहीं है ना, अपने दृढ़ संकल्प में, डिटर्मिनेशन में कहीं ना कहीं कमी है। वो सोच रहे हैं कि हमें 4 बजे उठना है, बहुत टाइम से सोच रहे हैं, लेकिन वो एक्ट नहीं कर रहे, वो उठ नहीं रहे। और जैसे ही वो सुबह उठते हैं, अलार्म बंद करते हैं, तो ऐसा लगता है हाँ, दुनिया जीत ली। अगर उस 3:50 पे या 4 बजे से पहले, बजने से पहले अलार्म बंद करते हैं ना, तो लगता है हाँ, दुनिया जीत ली। फिर इतनी आराम से सोते हैं, फिर वही अपना 7 बजे उठे सुबह, तो अब 7 बजे उठेंगे तो उनको क्या होगी, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन होगी। होगी क्यों होगी? इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि उन्होंने रात को पढ़ाई नहीं करी, जल्दी सो गए किसी भी रीजन से, अब सुबह उनसे उठा नहीं गया, तो ये अब उठ के ये सोच रहे हैं। अब एक कारण है, या तो उठ के वो पढ़ाई लग जाए कि चल कोई बात नहीं, हो गया है, ये मेरे साथ होता ही रहता है, पढ़ाई लग जाए तो बहुत बढ़िया है, चल कोई बात नहीं, ये 3 घंटे खराब हुए हैं, कोई नहीं, मैं इसको कैसे ही करके प्रॉपरली मैनेज कर लूंगा और आगे पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है, हम ये नहीं सोचते, हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं कि मैं नहीं उठा, नहीं उठा, और वो पूरे दिन मुंह इतना भुंडा सा बना के रखेगा, पूरा अजीब सा, कि मैं तो आज काम नहीं करा, पूरा दिन फिर खराब चला जाएगा, पूरा दिन ऐसे ही हमारा दिन खराब चला जाता है, और फिर हमें टेंशन 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 होती रहती है। तो हम जो सोचते हैं फ्रेंड, जितना भी आप सोचो, पहले तो उतना सोचो जितना हम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा किसी से, जो हम एक सोशल कंपटीशन हो चुका है ना, एक दूसरे को देख के कि मुझे ये, वो ये कर रहा है तो मैं ये करूं, वो ये कर रहा है तो मैं ये करूं, ऐसा मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा एक कारण है आपकी टेंशन का। आप इतना सोशल कंपटीशन मत कीजिए, मुझे तो नहीं लगता करना चाहिए। अपने हिसाब से, अपने आप से करिए कि मैंने जो आज किया है उससे बेहतर कल करने की कोशिश करना है मुझे, तो हम बहुत अच्छे से सुधार कर सकते हैं। अब देख देख के तो फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है, आप उतना नहीं कर पाओगे, फिर फ्रस्ट्रेशन होगे, तो जो हमारी एबिलिटी है, हमारी क्षमता है, उसको भूल के हम दूसरे को धारण करने की या दूसरे जैसे बनने की कोशिश कर ही क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जो भी हम लोग हैं ना, प्रकृति में से हम, जो हमने, हमें पैदा किया गया, सबकी अपनी अपनी एक खासियत है फ्रेंड्स, आपकी मेरी सबकी अपनी एक खासियत है, और वो उसी को अगर ठीक से काम करे, उसी पे एनालाइज करे कि तू क्या कर सकता है, तो बहुत बेहतर तरीके से वो काम कर सकता है, अगर वो कॉपी ना करे तो चीजों को, ठीक है, और उससे फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आएगी। और एक सबसे बड़ी बात, जैसे ओवर थिंकिंग का शिकार होने से हम बच कैसे सकते हैं, हमने रीजन तो ढूंढा है कि थिंकिंग करते हैं हम बहुत ज्यादा और उस पर काम नहीं करते, और ये टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। अगर इसको हम छोड़ दें और काम पे ध्यान दें तो बहुत सारी टेंशन हमारी मुक्त हो सकती है। तो हम थिंकिंग से बचे कैसे, इस ओवर थिंकिंग के आज के टाइम बचा कैसा जा सकता है? मुझे लगता है कि हमें अपने आप को कुछ, खुद को टाइम देना चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए, है ना, खुद को टाइम दो, खुद को समय दो। आप अपने आप को सोचने का टाइम तो होता ही नहीं आपके पास कि आप क्या कर रहे हो। कहने का मतलब, जैसे देखो 24 आवर्स हैं आपके पास, 24 घंटे हैं दिन में, तो बहुत सारों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यहाँ खड़े होके बात करना थोड़ा आसान होता है फ्रेंड्स, क्योंकि सबके साथ, कोई घर में बीमार है, कोई छोटे बच्चे हैं, तरह तरह की चीजें हैं,
लेकिन उसका सॉल्यूशन तो है ना, वो ये है कि कहीं से भी आपको टाइम चुराना पड़ेगा, कहीं से भी। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है कि मैं एक घंटे भी नहीं चुरा सकते, तो वो मन से शांति दिमाग में रखना पड़ेगा कि मैं ये सेल्फ एनालिसिस कर रहा हूं खुद का, तो वो खुद से सोचना पड़ेगा आपको, खुद के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपकी हेल्थ को भी अच्छे से ध्यान में। क्योंकि देखो, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये बात है पक्का कि आपका माइंड भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। जब माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो सारी चीजें आप वही ओवरथिंकिंग का शिकार होगे और टेंशन आप पे हावी होगी, काम हम कर नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो थिंकिंग, ओवरथिंकिंग जो हमारे अंदर आ चुकी है, उसका सबसे बड़ा जो मुझे इलाज लग रहा है कि आप खुद को टाइम देने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा से ज्यादा देखें कि यार मैं ये टाइम मेरे लिए निकाल सकता हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं उसके बाद, मतलब कैसे ही करके। आप ये भी नहीं है कि मॉर्निंग में निकालना जरूरी है, कि पॉसिबल नहीं होता। जब मन करे पूरे दिन में 24 आवर्स में अपने आप को बैठे एक बार सोचें कि तू क्या कर रहा है, तुझे क्या करना चाहिए और क्या तेरे में एबिलिटी है, ये सोचना चाहिए खुद को। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि खुद से नजरें मिला लोगे ना तो दुनिया से नजरें मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले खुद से अपने आप का तो एनालिसिस करना जरूरी है। जो हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं झूठे, अपने आप से हम झूठ बोलते हैं, अगर वो छोड़ दें, हम खुद को झूठ बोलना अगर छोड़ देना, तो मेरे हिसाब से सब बेहतर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? देखो, मैं यहाँ पे कोई किसी भी तरह का आपको प्रवचन देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है कि चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, शायद ये सब बातें आपको पता भी है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति ये है कि हम ये बातें किसी के दूसरे के मुँह से सुनना चाहते हैं कि कोई और बोल दे, हमें एक मोटिवेशन मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मोटिवेशन है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला। या वीडियो सुनोगे कुछ देर रहेगा, ठीक है, थोड़ी 2 घंटे आपको याद रहेगा, 1 दिन याद रह सकता है, 2 दिन याद रख सकता है, फिर आप में वही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए इसका इलाज है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, है ना। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेटेड रहें तभी बात बनेगी। और सेल्फ मोटिवेटेड बने कब रहोगे, इसके भी हमारे पास है क्या है, वो एक ही टाइम, एक ही बात है कि खुद को समय दो, खुद के बारे में डेली एनालिसिस करो। सोते टाइम सोचो कि आज मैंने वो काम किया है क्या जिस काम के लिए मैं लगा हुआ हूं, क्या मैं उसके साथ सही से न्याय कर रहा हूं, क्या ऑनेस्टली काम कर रहा हूं। खुद से नजर मिलाने की कोशिश करो कि मिला सकता हूं कि नहीं। सेल्फ मोटिवेशन वहां से मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी प्लानिंग बना लेते हैं। जैसे दिसंबर में एग्जाम होगा तो अभी से बहुत बड़ी प्लानिंग बनाए बैठे हैं। उसमें क्या होगा कि एक दिन भी डिस्टर्ब हो गया तो सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। ये मैं, मेरे व्यक्तिगत विचार है फ्रेंड्स, प्लानिंग मेरे हिसाब से डेली की होनी चाहिए। प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? डेली बेसिस पे, प्रतिदिन की प्लानिंग करो कि आज क्या करना है मुझे। और वो कब कर पाओगे, आप एक बार दोनों पेपर्स की यूनिट्स को ऐसे सामने रखो, 1-2 दिन उसको दो, एनालिसिस करो, जो आपको सबसे बेस्ट आता है, चाहे पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में हो, जो आपको बेस्ट आता है पेपर 1 या पेपर 2 में, जो बहुत बेहतर आता है, पहले उनको निपटा दो। उनको निपटाने से क्या होगा, मान लेते हैं आपको पेपर 1 में बहुत बेहतरीन 5 यूनिट आती है और पेपर 2 में भी मान लेते हैं 5 यूनिट बहुत बेहतरीन आती है आपको, आप पहले इनको निपटा दीजिए, पहले इनको बहुत अच्छी तरह से कर दीजिए, तो ये कम समय में हो जाएगी और फिर आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं आधा सिलेबस कर चुका हूं या कर चुकी हूं। मेरी बात समझ रहे हो? और फिर वो यूनिट्स उठाइए जो आपको थोड़ी टफ लगती है इनसे, और फिर इनके साथ ये भी पढ़ते जाइए डेली, 1-1 घंटा इनका रिवाइज करिए और नई यूनिट्स को शामिल करते रहिए, जिससे ये यूनिट तो आप कभी गलत करोगे नहीं और नई यूनिट्स भी आपको जुड़ती जाएगी और एक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा। और सारा खेल ही तो कॉन्फिडेंस का है, सारा खेल ही तो विश्वास का है, ठीक है। और जब ये हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा पूरा, तो फिर आपको एग्जाम से डरने की जरूरत ही नहीं है। क्या एग्जाम से डरना? आप क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास काम दिया हुआ है उसको एक साथ सोचते हैं, एक साथ कि इतना सब करना है मुझे, हम उसको सेगमेंट में बनाएं कि इतना इतना करके भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं डेली, मैं आज ही कर दूंगा सब, आज ही कर दूंगा, इतना मोटिवेट हो जाएगा और फिर होगा ऐसे, हो जाएगा क्या मुझसे? इस तरह का जो फ्लक्चुएशन है ये आना स्वाभाविक है, आएगा अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं तो। लेकिन इसको मैनेज करना भी हमारी जिम्मेवारी है, हमारा उत्तरदायित्व है कि इसको मैनेज करें, इसका प्रबंधन करें अच्छे से। और इसका मैनेज करने का अच्छे से सबसे अच्छा तरीका है कि सारे सिलेबस को देखा और उसको सेगमेंट्स में तोड़ा कि ये मुझे अच्छे से आता है, ये अच्छे से आता है, रिलैक्स होके। और देखो, JRF एग्जाम है वो आपके लिए है, आप कर सकते हो। अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है ना,
आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, सीधी सी बात है आप उस क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत बेहतर तरीके से एलिजिबल है। ये बहम निकाल दीजिए कि आपसे बहुत लोग इंटेलिजेंट है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है ना, आप यूजीसी के दायरे में है ना, तो आप कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें जो हम में कमियां हैं उसको सुधार करना है बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, मैनेज्ड वे में काम करना है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सारी यूनिट्स को एक साथ लेके सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और इतनी बातों में एक बात और याद रखो, थ्योरी के साथ हमेशा पीवाईक्यूज को पक्का इंक्लूड रखना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हमेशा अपने अंदर इंक्लूड रखना है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पीवाईक्यूज को डेली बेसिस पे जितना टाइम आप पढ़ने में दे रहे हो उसका कुछ पार्ट, उसका 10-15%, जैसे आप मान लो 6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसका 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटा ही अगर आपने पीवाईक्यूज लगा लिए तो जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसी के, तो आपका कॉन्फिडेंस देखना कितना अच्छा होगा। तो प्लीज अपने आप को मैनेज कीजिए। और आपको मैं बता दूं, सिलेक्शन उसी का होता है जिसमें इस टाइम को वो मैनेज कर लेगा, इस टाइम में वो कॉन्फिडेंस आता है। आपको सब कुछ आता है फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ आता है, बस आपको क्या है, ये जो लास्ट टाइम है पेपर में गड़बड़ कराओगे, पेपर में बैठोगे जल्दबाजी कराओगे, ये हो गया वो हो गया, बहाना बनाने से क्या फायदा है या किसी पे दोष मढ़ने से फायदा क्या है, आपका तो हो गए फेल। या फिर मेरे ये हो जाता है, मुझे फोबिया है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी मर जाओ तो भी किसी को नहीं फर्क पड़ता भाई, मेरे को तो लगता है ठीक है, कुछ दिन याद करेंगे हो जाएगा फिर बात ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, है ना। फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा थोड़ी है, दुनिया ये हो जाएगी वो हो जाएगी, एक दिन एक बार पागल बन जाओ ना, एकदम बिल्कुल पागल बन जाओ, वो जो आपके सबसे प्रिय है वो भी कहने लग जाएंगे यार ये चला जाए तो बहुत बेहतर है, ठीक है, मैक्सिमम ये हो सकता है। तो अपने आप को ठीक रखना कोई बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात है नहीं है। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख सकते तो किसका ध्यान रख सकते हो? किसी का भी नहीं रख सकते। अगर आप ये दिखावा करते हो कि मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये है वो है, तो आप गलत हैं, क्योंकि पहले आप अपनी आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैं। पहले आप अपने आप को तो ठीक कर लो ना, फिर दुनिया को ठीक करोगे, फिर किसी साथ रहने वाले को ठीक करोगे। आप ही ठीक नहीं है तो किसको ठीक कर सकते हैं? अगर आप ये बोलते हैं ना, हम टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते टाइम, इफ यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड देन हाउ यू कैन मोटिवेट अदर्स। अगर आप खुद ही मोटिवेट नहीं है तो दूसरों को मोटिवेट कैसे कर सकते हो? आप खुद ही स्वस्थ नहीं है तो दूसरे के स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हो? आप खुद नहीं पढ़ते तो दूसरे को पढ़ने की बात कैसे कह सकते हो? आप खुद अच्छे नहीं है तो दूसरे को अच्छे की कैसे बात कर सकते हो? तो पहले अपने अंदर बदलाव कीजिए, सब बदलाव हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन और ये जो अपने आप को ये बांध देना है ना कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, ये फालतू में हम अपनी असफलता को छिपा रहे हैं उस टेंशन के पीछे कि बस ठीक है यार तू छुप जाना, मैं तेरा नाम ले लूंगी बस, ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। इससे क्या होगा, अपने आप से सच बोलने की कोशिश तो करो ना, सब बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, वास्तव में हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मुझे लगता है जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। ये नहीं कि सर मैंने तो ये सोचा है, अरे वो सोचा नहीं, तेरे दिल ने कह दिया तू नहीं कर सकता, अंदर से की आवाज आती है उसको तो सुन ले। ऐसे नहीं कल को है फालतू में सर मैंने तो ये सोचा है और उसके लिए काम करता ही नहीं है, है ना। सुबह 9 बजे उठना, सोच लिया ना सर, अरे भाई सोचना, थिंकिंग के साथ एक्शन जरूरी है, वो कब करेगा? जितना सोचता है उसका कुछ भाग भी काम कर ले तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से फ्रेंड्स, आप बिल्कुल चित्त को शांत रखें, खुश रहें और अपने आप को सेग्रीगेट करने की कोशिश करें, ऐसे कि ये काम है इसको ऐसे ऐसे डिवाइड करके ये काम मैं कर सकती हूँ, इतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको निभाना है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भाग के जियारत करते हो तो मैं तो उसको भी कुछ नहीं मानता, है ना, ये भी बकवास है। आपकी जिम्मेवारियां हैं, आपके रिलेशंस के प्रति भी जिम्मेवारियां हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था कोई नहीं यहां पागल होके देख लीजिए, लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स, सामाजिक प्राणी हैं, वो भी निभानी पड़ेगी। और आप कर ही क्यों रहे हैं जी यार, किस लिए कर रहे हैं? इस सोसाइटी को मैं आपको थोड़ा सा अच्छा दिखना है, अच्छा सा ईगो सेटिस्फाई करना है आपको, और क्या है ये भी, हाँ मेरे को ये सम्मान से मुझे कोई देखे, मुझे इज्जत से सब पेश आए, मैं अपना आपके खुद के डिसीजन ले सकूं, यानी कि सोशल कॉम्पिटिशन में है हम ना, तो समाज के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा ना। लेकिन कुछ जगह पर अपने आप के लिए सेल्फिश होना कहां बुरा है, और वो भी आप अच्छे काम के लिए हो रहे हो, अपना ध्यान रखोगे तभी तो औरों का ध्यान रखोगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ये फालतू की चीजें आप दिमाग से निकाल दें, अपने आप को मैनेज करें। और मैं एक बात बता दूं, अब नहीं होगा तो फिर हो जाएगा, जून के में हो जाएगा, लेकिन पहले अपने आप को तैयार तो कीजिए इस फ्रस्ट्रेशन के नाम पे। आप जून का भी खराब कर दोगे, दिसंबर का भी खराब कर दोगे, जिंदगी खराब कर दोगे, फायदा क्या रहा, किसके नाम है, क्या किसको दोष दोगे, अपने आप को ही दोगे, कौन सुनता है फिर आपकी? जब असफल बार बार होगे तो कोई सुनना भी बंद कर देगा,
ठीक है। तो प्लीज आप रिलैक्स रह के काम करिए और बिना टेंशन के काम करके देखिए तो सही। सारे दिन इतना भार लेके काम करते हैं जीवन में, ओ तेरी मैं ये कर दूं मैं, अरे क्यों इतना सिर पे वजन ले रखा है भाई, है ना, क्यों, जब पता है इससे कुछ नहीं होने वाला। बी रिलैक्स, शांत, जब भी आपको लगे ना कि फ्रस्ट्रेशन है, एक डीप ब्रीथ किया करो, है ना, एक गहरी सांस, ठीक है, आराम से थोड़ा पानी पिया, रिलैक्स हो जा भाई, रिलैक्स, इसको समझाओ, रिलैक्स हो जा, रिलैक्स, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। समस्याएं बहुत है, सबके पास है, अपने अपने लेवल की समस्याएं सबके पास, इस दुनिया में सबके पास अपनी अपनी समस्या है, किसी के पास, सबको अपनी समस्या बड़ी लगती है ना, किसी के बीमार है, किसी के बहुत प्रॉब्लम है, किसी के घर में क्लेश है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, लेकिन हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी में कोई कॉलम नहीं आता कि तेरे घर में क्लेश है तो 10 नंबर कम लिया, कोई बात नहीं, ऐसा है ही नहीं ना। तो हमें सारी चीजों को मैनेज करना है, हमें उन सिचुएशंस को संभालना है, हमें, क्योंकि हम पढ़े लिखे होने की बात का मतलब ये नहीं है कि जॉब लग जाएं, पढ़े लिखे होने का बात है कि हम इस सोशल चीजों से कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग का मेन मकसद क्या होता है कि डिजायर्ड बिहेवियर, यानी कि जो बिहेवियर है उसको हमें बदलना होता है, जो हमारे अंदर व्यवहार है उसको बदलना होता है, हमारा मकसद ये होता है, ना कि किताबी ज्ञान दे लिया और उससे फ्रस्ट्रेशन हो गया, नहीं, हमारा जो बिहेव है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें दिखना चाहिए यू आर एजुकेटेड, आप चीजों को समझते हो, आप चीजों को जानते हो। और परेशान तो कोई भी हो सकता है अगर प्रॉब्लम आई तो, फिर आप में और उस व्यक्ति में क्या फर्क है जो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता, उसमें डिफरेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपने ज्ञान को समय दिया है तो, अगर आपने किताबी रटने को समय दिया तो, वो हम नहीं कह सकते भी उस बात को, ठीक है। तो प्लीज रिलैक्स रहिए, अपने चित्त को शांत रखिए, खुश रहिए, जब तक खुश नहीं होंगे और जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, ना तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं, ना दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, सिर्फ आप बहाना बना सकते हैं, ये मेरा मानना है, ये कटु सत्य है, ठीक है। तो प्लीज बी हैप्पी और आज से बहुत ईमानदारी के साथ काम पे लग जाइए, बहुत एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, उतनी कीजिए जितना आप काम कर रहे हो, सब ठीक है, ठीक है। तो ज्यादा अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, अगर ऐसा लगा हो कि सर आपने ये बोल दिया, तो एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मेरा एक फर्ज है, मेरा एक कर्तव्य है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा एक दायित्व है कि मैं आपसे जो आप चीजों को डिस्कस करूं, जिस तरह से बच्चे मुझे बोलते हैं, मैसेजेस करते हैं कि सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, उनके लिए मैं कह रहा हूं, प्लीज आप चीजों को संभाल लीजिए, सब बेहतर हो जाएगा, बस काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, और अपने चित्त को शांत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।